नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई बहरीन से रिलेटेड। बहरीन में भी भाई कोरोना के केस अचानक से बढ़ने लगे थे, इस वजह से बहरीन ने भी फ्लाइटें बैन कर दी थी। हालांकि इंडिया के लिए पहले फ्लाइटें चालू थी, लेकिन अभी आपको पता है पिछले टाइम काफ़ी टाइम से फ्लाइटें इंडिया की भी बंद हैं। जी हाँ, और भाई बहरीन ने बड़ा स्टेप लेते हुए 16 देशों को और बैन कर दिया अभी एक दो दिन की अगर बात करें तो। जी हाँ, इसका भाई सीधा ही रीज़न है, इंडिया का तो पहले से फ्लाइटें हालांकि बैन ही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन बहरीन में आंकड़े कोरोना के बढ़ रहे हैं, ये एक रीज़न है। इस वजह से हर आदमी, हर देश ये चाहता है कि भाई बचें, ये जो बिजनेस है, ये लेन देन ये बाद में कर लेंगे, कम से कम से तो कम से कम लोग बचें, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि हर देश उसका, कितनी भी बड़ा से पावरफुल देश हो, वो भी डरता है कोरोना से, तो वो नहीं चाहता कि इनकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आए। तो काफ़ी सारे लगभग 16 कंट्रियों को उन्होंने रेड लिस्ट में डाल दिया है। अगर बहरीन की बात करें रेड लिस्ट में, तो इंडिया, पाकिस्तान वगैरह तो पहले से डाल रखे थे, इसके अलावा डोमिनिकन गणराज्य को अभी डाला है, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, मलेशिया, मेक्सिको, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामीबिया, पनामा, फिलीपीन, अफ्रीका, ट्यूनिशिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, जी हाँ, इन देशों को अभी 16 कंट्रियों को बैन करके एकदम इन देशों को बैन कर दिया। यहाँ पे बता दूँ, इन देशों के अगर कोई 14 दिन से ज़्यादा रुका हुआ अगर वो आता है तो उनको एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, इस बातों का सदा ध्यान रखें। हाँ, बहरीन के लोग हैं छोड़ के, बहरीन के अगर इन देशों में लोग हैं तो वो आ सकते हैं, उनको भी 48 आवर्स पहले का PCR टेस्ट होना चाहिए, 10 दिन उनको क्वारंटाइन वहाँ पे उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा अपने खर्चे पे। जी हाँ, और PCR टेस्ट का भी भाई अपना ही भुगतान लगेगा, बता दूँ, अवेयर बहरीन ऐप है उसके माध्यम से वो भुगतान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बहरीन ने भी भाई एकदम, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी बहरीन भी फ्लाइटें ओपन चालू करेगा। जी हाँ, लेकिन वही है भाई कि स्थिति खराब है। एक कतर है, कतर कब तक टिका रहेगा ये कह नहीं सकते, हालांकि कतर एक ऐसी अच्छी कंट्री निकली कोरोना काल में कि इंडियन लोगों के लिए फ्लाइटें बैन नहीं हुई, लोग कतर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबके सब गल्फ देशों के सबके सब 5 देश हैं, सबके सब बैन करके बैठे हैं। अब आगे क्या अपडेट नया आता है कुछ कह नहीं सकते। बाकी बहरीन में भी अब आंकड़े कोरोना का रीज़न है, और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता। बाकी देखते हैं भाई क्या कोई नई अपडेट आती है। अगर आज बैन किया तो मुझे नहीं लगता है जुलाई में ये बैन ओपन होने वाला है, जुलाई 31 तक तो तय है, आगे अगस्त में उम्मीद करते हैं क्या उम्मीद हो सकती है। बाकी 2021 आपके लिए 2020 से भी ज़्यादा खतरनाक होगी, ये आप मान सकते हैं, स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि उसमें तो 3-4 महीने शायद फ्लाइटें बंद रही थी। इसमें देखिए भाई 2021 में देखो स्थिति खराब होने वाली है। बस ये अपडेट देनी थी, बहरीन जाने वालों के लिए बैड न्यूज़ है। आगे कोई अच्छी अपडेट आएगी तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।